आइए आयुसिलन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं विच इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स तो आयोसिलन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कार्बोनेट है वो आपके जनरली यानी हाईली स्टेबल होते हैं हीट की तरफ उनको तोड़ना मुश्किल काम होता है क्योंकि हम इफेक्ट ऑफ हीट देख रहे हैं हीट का मतलब ये कि हीट करेंगे तो कौन ज़्यादा कितनी आसानी से टूट सकता है इसको हम देखना चाह रहे हैं तो कार्बोनेट्स आर हाईली स्टेबल टू हीट ये बात आपके जहन होनी चाहिए और ये जो स्टेबिलिटी है ये इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लीथियम टू सीजियम यानी लीथियम जो है वो आपका लेस स्टेबल होगा यानी आसानी से टूट जाएगा अगर लीथियम का कार्बोनेट होगा वो आसानी से टूट जाएगा फिर सीजियम का कार्बोनेट जो है वो मुश्किल से टूटेगा और ये स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है तो यानी अगर मैं बात करूँ लीथियम के कार्बोनेट एल आई सीओ थ्री से टूट सकता है और यह कन्वर्ट होता है लिथियम ऑक्साइड के अंदर और प्लस यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है लेकिन अगर हम सीजियम की बात करें सी एस एसओस तो वो मुश्किल से टूटेगा स्टेबल ज्यादा है आइए उसके रीजन की तरफ चलते हैं देखें लिथियम जो है क्योंकि पहले पहले आ रहा है ग्रुप में उसका साइज सबसे छोटा होगा साइज छोटा होगा लेट सपोज मैं लीथियम को यूं ड्रा कर लेता हूं ये पॉजिटिव सेंटर में होगा उसके साइज़ यहाँ पे छोटा है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन अब ये रिएक्ट कर रहा है मतलब इसको और साथ साथ ये कार्बोनेट के साथ अटैच है कार्बोनेट मतलब सी ओ थ्री यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर देता हूँ सी ओ थ्री का मतलब ये हो जाएगा कार्बोनेट का सी ओ थ्री यहाँ पे इसके साथ ये अटैच है लिथियम कार्बोनेट कुछ ऐसे करके अटैच अब आप देखें कि लिथियम कार्बोनेट जो है स्टूडेंट वो क्योंकि उसका साइज छोटा है साइज छोटे होने की वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी असल में ज्यादा है अभी चार्ज डेंसिटी क्या होती है इसका भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली चार्ज डेंसिटी चार्ज टू साइज रेशो इसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी यानी जितना साइज कम होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना यहाँ पे आप में रखें साइज़ अगर कम है चार्ज तो है उसके ऊपर लेट्स पर वन चार्ज है लेकिन साइज कम होने की वजह से चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होगी ज़्यादा हो जाएगी तो लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है चार्ज डेंसिटी डेंसी की, की वजह से क्या होगा स्टूडेंट वो इस स्ट्रक्चर को आसानी से डिस्टॉर्ट कर देगा ये जो स्ट्रक्चर है सी ओ थ्री का इसको वो आसानी से डिस्टॉर्ट कर देगा इन सिंपल वर्ड वो इस ऑक्सीजन के साथ आसानी से कंबाइंड हो के क्या कर देगा लिथियम का ऑक्साइड बना देगा और ये जो है ये ये स्ट्रक्चर ये ये ब्रेक ये अलग हो जाएगा सी ओ टू वाला तो ये आसानी से सी ओ टू बन जाएगा तो यानी ये लेस स्टेबल हो जाएगा लेस स्टेबल क्यों हो रहा है क्योंकि चार्ज डेंसिटी उसकी ज़्यादा है तो यहाँ पर आपने इसी में रखनी है अब जैसे जैसे साइज़ बढ़ता रहेगा लिथियम के बाद आप आते हैं सोडियम फिर आता है पोटाशियम फिर ओबीडियम सीजियम तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं साइज़ बढ़ता जा रहा है तो जब बड़ा साइज़ होगा तो क्या होगा तो सर चार्ज डेंसिटी उसकी असल में कम हो जाएगी तो लेट सपोज़ ये बड़ा साइज़ है लेट सपोज़ ये सीजियम का साइज़ है तो वंस अगेन इसके साथ कार्बोनेट अटैच है यानी सीजियम कार्बोनेट है कुछ ऐसे करके राइट सो so, अब ये इसको इस स्ट्रक्चर को आसानी से पोलराइज या डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी असल में कम है क्योंकि साइज बढ़ चुका है मैं यहाँ पे वन सेकेंड लिख देता हूं चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी ये आपने जहन में रखनी है बार बार ये फैक्टर आएगा इस वजह से मैं दोबारा लिख रहा हूँ ये असल में क्या होती है ये चार्ज टू साइज रेशो होती है यानी अगर आपका साइज़ कम है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है साइज़ अगर ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम है तो यहाँ पे साइज़ साइज असल में क्या है ज़्यादा है सीजियम का क्योंकि एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है टॉप टू टौ बॉटम तो जब साइज़ ज़्यादा है चार्ज डेंसिटी टी यहाँ पर कम है तो वो इसको इतनी आसानी से पोलराइज नहीं कर सकता सो तो फिर ये आसानी से टूट नहीं सकता तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा तभी हम कह रहे हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी लिथियम टू सीजियम ये चीज़ आपने अच्छे से जहन में बिठा लेनी है अब हम बात करते हैं स्टूडेंट के नाइट्रेट जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं हीट करके और जनरली वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं सिवाय लिथियम नाइट्रेट के सो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिथियम के अलावा क्या आपको रिएक्शन मिलेगा ये जनरल है सोडियम फिर आपका पोटाशियम फिर आपका सीजियम हो गया सो जनरली आपको रिएक्शन देंगे कि आपका नाइट्राइट बनेगा सोडियम नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है सोडियम नाइट्रेट जब इसको हीट कर रहे हैं और ऑक्सीजन गैस बना रहा है लेकिन जब हम लिथियम को यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं तो लिथियम को यानी ऑक्सीड इसको हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बन रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है ऑक्सीजन बन रहा है अब स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन सिमिलर है एज कम्पेयर टू ग्रुप टू एलिमेंट और क्यों है स्टूडेंट क्योंकि ग्रुप में जब क्योंकि हम इसको एज कम्पेयर टू एज पीरियड लेते हैं लेट सपोज लिथियम आता है पहले ग्रुप में पहले आता है लिथियम के नीचे कौन है सोडियम ये आपने जहम रखना है फिर आगे कौन है लीथियम के बाद कौन आता है ग्रुप टू में लीथियम के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाता है लाइट लाइक यहाँ पर सो अब आप देखिए लिथियम का अटोमिक नंबर यानी इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ इसका छोटा है सोडियम का साइज थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर हम पीरियड मूव करते हैं तो मैग्नीशियम का साइज़ क्या होगा छोटा हो जाएगा क्योंकि साइज जब हम पीरियड मूव करते हैं तो सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम का साइज़ छोटा होगा अब ये साइज़ और लिथियम का साइज़ देखें तो हम कंपेयर जब करते हैं तो लिथियम का स्मॉल साइज़ होने की वजह से ये प्रॉपर्टी देगा ग्रुप टू एलिमेंट्स की तो ग्रुप टू की जो रिएक्शन की अगर हम बात करें जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट है एम जी एन ओ थ्री ट्वाइस जिसका फार्मूला है अगर वो डिकम्पोज हो तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस बनाएगा इसको आगे चल के यहां भी हम पढ़ेंगे तो लिथियम जो है वो शो कर रहा है प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू ग्रुप टू एलिमेंट वजह क्या है कि उसका साइज यहाँ पे स्मॉल है और चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है और यही जो प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप टू एलिमेंट्स की होती है और इस वजह से ये ऐसा रिएक्शन शो कर रहा है तो एक्सेप्शन में आ जाएगा सो फिर स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा थैंक यू